तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। भाई वो शहंशाह बता रहे रानी आई है। हाँ आई हुई है लेकिन फरहाद के घर आई है, हमसे मिलने नहीं आई। वो तो घर बुलाना था ना, उसे क्यों नहीं बुलाया? राबिल जितना सब कुछ उसने फेस किया है ना, उसके बाद मैं उसे किस मुंह से अपने घर बुलाऊं? अम्मा जी उसे बुला रही हैं, चले मेरे साथ उसे लेकर आते। एक सेकंड, पहले मैं जरा अपने डैड की बेगम से तो निमट लूं, उन्हें तो बता दूं कि उनकी जाल साजियां मुझ पे नहीं चलेंगी। भाई बात मिलने पड़ लेंगी ना, अभी रानिया से मिलते हैं प्लीज। चले जल्दी आए, चले यार आ जाए ना, आए। आपको पता है रानिया बाजी, रात को मामू नींद में गुनगुनाते हैं और चलते चलते ढुमके भी लगाते हैं। पूछने पे ये कहते हैं कि शादी पे डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल के दूल्हे अपनी शादी पे खुद डांस करते हैं, तो मैं भी उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं तो रोज तैयारी कर रहा हूँ, रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस एक दिल में धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं तुम्हारे अमीर अब्बा इस खुशी के मौके को गम में तब्दील ना करते। कि तो आप फिक्र ही ना करें, मजे से गुनगुनाया करें भाई। ये मौका भी नसीब वालों को ही मिलता है। दिल की खुशी ना हर किसी की किस्मत में लिखी नहीं होती। रानिया राबिल कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और घर पे सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। बैठो। हाँ हाँ घर की तो बहुत फिक्र है ना। अभी इनसे मेरी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, इन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुम बीमार रहे हो, अब कैसी तबीयत है, कैसा हाल है। जिन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं उनसे कोई क्या ही पूछे। और उस हनी के आते ही कैसे कच्ची डोर से बंधे हुए चले आए उसके पीछे, और जब अम्मा जी गई थी बुलाने के लिए साफ इनकार कर दिया था। अपने दिल से ना ये गलतफहमी निकाल दो, अभी भी मैं सिर्फ अम्मा जी की वजह से ही सब कुछ कर रहा हूँ। दादी ने मुझे कहा था कि मामू और बेबो की शादी मैंने घर से अटेंड करनी है। तो फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आए? तुमने मेरा इंतजार किया था? वो मियां जी खफा हो रहे थे, कह रहे थे कि कैसा खोते का पुत्र है, सलाम करने भी नहीं आया। आप जब हमारे घर आए थे हमने आपकी कितनी खातिर की थी, याद है ना? हाँ हाँ सब कुछ याद है मुझे, ऐसे खोतों के पुत्र वाले ही काम किए मैंने, आऊंगा। और हाँ आपने मेरे बाबा से कुछ बिजनेस का भी तो मामला डिस्कस करना था, भूल गए या फिर इरादा ही बदल गया है? नहीं नहीं क्यों बदलेगा, बल्कि इरादा तो और पुख्ता हो गया, अब मुझे समझ आ गया। ऐसे बेघर बेसरो सामान और कंगला रहूंगा तो कौन बाप अपनी बेटी देगा, इसलिए बहुत जल्द आऊंगा। हो अच्छा तो ये बात है, ये सब कुछ लड़की के लिए कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही पहचाना, लड़की के लिए तो कर रहा हूँ। बताओ कब आऊं? इतने फालतू नहीं बैठे हुए, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिजी होते हैं, जाके ना किसी और से मशवरा कर ले। अरे 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 अमीर बाप क्या मिल गया, इसके तो तेवर ही बदल गए। सुनो मैडम तुम्हारे डैड इस शहर के अकेले अमीर नहीं है, अरे बहुत सारे और भी हैं जो मशवरा देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और तुमसे तो बेहतर ना रानिया, वो हनी है। एक सेकंड, ये हनी का जिक्र बीच में कहां से आ गया भाई? दिल की बात ना जुबान पर आ ही जाती है, करने दो इनको हनी का जिक्र। और बताए ना आपकी हनी में और कौन कौन सी खूबियां हैं? क्या क्या, क्या बताऊं? अरे कम से कम तुमसे तो लाख ही दर्जे बेहतर है। अरे किसी की बात तो समझती है, किसी के ऐसा साथ की कदर तो करती है। तुम तो आपको कब से ये बातें पसंद आने लगी? भाई इनके तो ख्यालात ही बदल गए, लगता है कि हनी का ना बहुत ही मुबारक साबित हुआ है आपकी जिंदगी में। हाँ चुप चुप चुप, एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ जमा हुए हैं मेरी शादी की बात करने के लिए? मतलब मेरी शादी की आप बात नहीं कर रहे, अपने खानदान की बातें कर रहे हैं यार, अपने घर में जाके कर रहे हैं ये बातें यार जाके, मतलब कि क्या हो रहा है? मामू कहाँ ना फिक्र ना करें, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ, मैंने कह दिया ये रिश्ता होगा तो ये होकर रहेगा। अरे भाई कैसे होगा, कैसे होगा, सोच लेंगे, मैं चलती। रानिया वो अम्मा जी तुमसे मिलने के लिए बेकरार आ रहे, मैं तुम्हें इसलिए बुलाने के लिए आई थी। रानिया भाजी इतने टाइम बाद आई आप और इतनी जल्दी जा रही हैं, अभी तो आप मामा से भी नहीं मिली हैं, थोड़ी देर और बैठ जाएं, वो आने वाली होंगी उनसे मिलके जाएगा। अरे रहने दो बेटा, अब रानिया बाजी वो रानिया बाजी थोड़ी रही हैं, अमीर बाप की बेटी हो गई हैं, अब ये कहाँ मिलेंगी।
जाने दो इन्हें। लाइबा मैं ना अम्मा जी को जाके सलाम करती हूँ, वापस आऊंगी तो आंटी भी आ जाएंगी, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है? रानिया मेरा क्या होगा फिर आगे इसका? मामू अभी हालात नासाज है, हम चाहकर भी ना हंसी खुशी की बातें नहीं कर सकते, टाइम आएगा आपका भी, ठीक है? सुनो, अरे कहीं मेरी भैंस पानी में, आओ डांस प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ जाओ टाइम वेस्ट कर। तुझे ना ये सुरे छोड़ने की क्या जरूरत है, अब भूख तो सारा किया जरा तेरे। कहती तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं, इन्हें देखो जरा। छोड़ो इनको यार, मेरी बात सुन। एक, एक एक बात बताओ, तुम्हें रानी कैसी लगती है? क्या मतलब कैसी लगती है? अरे एक नंबर की नकचड़ी, बदमिजाज और नखरे वाली है, तो किसी के ऐसा साथ कुछ समझती नहीं है। मैं समझ गया। आ जाओ ना और डांस करते हैं। अरे आओ शर्माओ नहीं, अरे नहीं करना मुझे मामू, मुझे नहीं कर। ये स्टेप बता, ये यूज करके लोग इतने नकचड़े क्यों हैं? अबे तुम तो आ जाओ, इधर आओ। ओफो हनी, ये तुमने क्या हुईया बनाया हुआ है, थोड़ी तैयार शैयार ना करो, मेकअप वेकअप किया करो। आंटी मैं हमेशा से ऐसी रहती हूँ, सिंपल। अच्छा गोली मारो, अब जैसा मैं कह रही हूँ ना उसे फॉलो करो, ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे फादर तो बड़ा आकड़ के तुम्हें यहाँ से लेकर गए थे, अब क्यों आई हो यहाँ? आपसे मिलने नहीं आए और ना ही आपसे बात करना चाहती। बात सुनो, मुझे भी ना तुमसे बात करने का ना कोई शौक नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम मेरे घर में खड़ी हुई हो, इसलिए पूछना जरूरी है। जी नहीं, ये मेरी अम्मा जी का घर है, वो है इस घर की असल मालिक, और खाम खा के दावेदारों से बहस करना ना मुझे पसंद है और ना ही मेरे पास टाइम है। चलो राबे। एक मिनट, तो मेरी आंटी से किस तरह बात कर रही हो? जैसे तुम्हारी आंटी बात कर रही, और बड़ी आई तुम आंटी की हमदर्द है, आंटी की चमची, बिल्कुल अपनी आंटी की तरह ड्रामे बाज हो तुम भी। शट अप, मुझसे ना अपना मुंह मत तोड़वा लेना। तुम क्या समझती हो कि मैं अमेरिका से आई तो मुझे देसी तरीके से लड़ना नहीं आता है? मैं तुम्हें ऐसी ऐसी सुनाऊंगी ना कि तुम्हारे कानों से धुआं निकलने लगेगा, तुम्हारी आंखों से आंसू, समझी? लगता है कि आपके बुरे दिन करीब है, आपका ना बोरिया बिस्तर मारने का टाइम आ गया है। मुझे ना बड़ी अच्छी तरह तुम्हारी चलाकियां तिमककारियां समझ आती है। महीर इतने दिन से घर में नहीं था, तब तो तुम यहाँ झाँक कर नहीं दी, अब महीर आ गया है यहाँ तो उसके पीछे पीछे तुम चली आई। तुम क्या समझती हो कि तुम अपनी बाप की दौलत महीर को पीछे लगा लोगी? तुम्हारे हैंड्स कुछ नहीं आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। महीर जहां जाएगा वहां उसकी शादी होगी, समझी तुम? Stop this nonsense. ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे इतने अरसे के बाद वो इस घर में आई है, और तुम किस किस्म की बातें कर रही हो उसके साथ? ये लड़की मेरे घर में खड़े होकर मुझसे बदतमीजी कर रही है, बाप के पास चार पैसे क्या आ गए, इसको तो छोटे बड़े की तमीज ही नहीं दी है। अंकल आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, इस लड़की का रवैया आंटी के साथ बिल्कुल सही नहीं। हनी तुम बीच में मत बोलो, तुम कुछ नहीं जानती। चल आ तू मेरे कमरे में, चल एदा तेरा दिमागी मसला है, बिल्कुल उसी मत मोना नु भी साथ दे, नहीं दिन बाद आई है मेरी बच्ची है, जरा रौला रौनक लगेगी, आ जा आ जा आ जा। चंगा चलिए। किस कदर शेमलेस लड़की है, दोबारा इस घर में एंट्री मार दी इसने। आंटी आपका इस लड़की का क्या मसला चल रहा है, कुछ तो बताएं। ओ हनी डार्लिंग, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता ये लड़की ना महीर के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। खैर मैंने भी सोच लिया है, मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। आंटी आंटी मेरी बात तो सुने। हनी तुम ये जानना चाहती हो ना कि आंटी का और रानिया का मसला क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं बेटा कि आंटी ने रानिया के साथ क्या क्या किया है। कहां रह गए आप? जी जी मैं बाहर ही खड़ी हूं, बस आप जल्दी से आ जाए ना। ठीक है ओके जल्दी आ जाए। घर जा रही हो? हाँ बस ड्राइवर आने ही वाले। रानिया मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आंटी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत है।
उन्होंने जो कुछ किया वो उनका जर्फ था। अब उस वजह से मैं इतने प्यार करने वाले रिश्तों से तो नहीं दूर रह सकती ना, बस इसीलिए आज आ गई। बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो छुप कर घर में बैठते हैं वो गिल्टी होते हैं। एंड डोंट यू वरी, मैंने आंटी को समझा दिया, शी विल नॉट मिसबिहेव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वापस जा रही हो इतनी जल्दी? हाँ वापस तो जाना ही था ना, और जल्दी नहीं काफी घंटों बाद जा रही हूँ, ड्राइवर बस आता ही होगा। ड्राइवर की क्या जरूरत है, कि बाइक है ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं, ड्राइवर आ ही रहा होगा। जाहिर है, अब मेरी बाइक को मैं कहाँ छेड़ लगी। ये बात नहीं है, इस वक्त आपके साथ यूं जाना मुनासिब नहीं लगे। वासिक के साथ जाने से पहले तो तुम्हें ये ख्याल नहीं आता? गलत बात मत करें, मैं डॉक्टर वासिक के साथ कभी भी बाइक पे नहीं बैठी, उनके पास तो बाइक है ही नहीं। तो तुम्हें प्रॉब्लम किससे, मेरी बाइक से या फिर मुझसे? दोनों। अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम्हारा रंग तुम्हारा ढंग जो बदल रहा है ना, नोटिस कर रहा हूँ मैं। सही कह रहे हैं, दिली कैफियत ना चेहरे और आंखों से वासा हो ही जाती है, मुझे भी सब समझ में आ रहा है। लेकिन आप भी ना एक बात याद रखिएगा, रिश्तों में खुदगर्जी करने वाले ना हमेशा खेले रह जाते। मैंने कौन सी खुदगर्जी दिखाई थी रानी? मेरी गाड़ी आ गई है, खुदा हाफिज। वो जा चुकी है, अब तुम भी वापस आ जाओ और बताओ कि सिलसिला क्या है। कोई सिलसिला नहीं है। कुछ तो है, अमीर बाप की बेटी हो गई है, बस यही सिलसिला है। माहिर, माहिर मेरी बात तो, काफी देर नहीं हो गई आपको आने में? हाँ वो काफी दिनों बात करी थी ना, तो सब इकट्ठे हो गए थे इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। उनका बस चलता तो मुझे अभी भी ना आने देते हैं। तो रुक जाती वहां पर आने। वो आप पहले भी तो वहां रहती थी ना? पहले की बात और थी, अब तो इसी शहर में मेरा घर है। बस यहाँ और भी कुछ पूछना है आपको? नहीं मैं बस आपसे यही पूछ रहा था। रास्ता हाय हाय आ गए वो लोग। पार्ली नहीं आए, इतना न्यू चलो। तुम संभाल के रखो। हाँ नहीं संभाल नहीं। अरे मुझे आप उतरे इतनी उच्ची गड्डी है भाई ये। ओए लो थैंक यू फॉर थैंक यू ठीक ठाक हो गई। अरे तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है अंदर जाने की। जल्दी मुझे? अरे मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, सिर्फ तुम लोगों की वजह से आया हूँ। कहो तो वापस चलते। अरे नहीं यहाँ पे आ गए हो, अब जाओगे तो हिमाकत लगेगी। इतने बेवकूफ तुम लगते रही हो मुझे। अब चलो चलो वो ठीक हो? हाँ। आई ओके? गिरे आने का ना मकसद पूरा हो गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब क्या कह रहा हूँ, इस घर में एक और रिश्ता लेकर आया तो इंकार नहीं होगा।
बाकी सब मेरा ख्याल। अम्मा जी सबको सब तो बीबा जेड़ा जवान है उसका रिश्ता डालने ऐसे ईमान नाल यही लग रहा है कि तुसी मुंडे वालों आए अच्छी लग रही है समझो कि मैं लड़के वाली हूँ मैं देखांगी तुसी अपनी वड्डी भैन नु किस तरह इनकार करोगे हैं पापा जी तुसी ते बीबा मुंडा ला के आना ते साड़ी कुड़ी जड़ी है मान नाल दिया ला के निकलो ना बाहर ते तनु इंज दी दूजी नहीं मिलनी गल सुन मेरे लिए इको ही काफी है मैं चिराग लेके क्यों लबांगी दूजी चलो ऐ भी शुक्र है जी वाह बाजी वाह माशाल्लाह क्या माहौल बन गया मोहब्बतें तो डुल रही है रिश्ता ऐसे ही करना खलो के मतलब अंदर नहीं आना टाइम है ना शहरी लोग को टाइम नहीं होना फ्री टाइम लेकर आया तो आड़े ले चलो आए 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 आओ जनाब आओ 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 अल्लाह ऐसे मुझे लगता है कि बहुत जल्द अयाज मामू की तरह मुझे भी घर में आना पड़ेगा आप में और अयाज मामू में बहुत फर्क है ऐसा ना हो जाए कि आपके वालिद मोहतरम खुद रिक्वेस्ट करके कहें कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लें और मुझे शुक्रिया का मौका दें आज आप हमारे मेहमान हैं तो आप चीख खोल कर चवलियां मार सकते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे वरना मुंह बंद कराना ना हमें अच्छे से आता बड़ा बेटा हूं मैं अंबाजी के साथ जाना मेरा बनता था पर तुम्हारी करतूतों की वजह से ना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा दबीर दुनिया को ये मुंह दिखा के तुम क्या करोगे तुम्हारा ये मुंह दुनिया देखकर ना उदास तो हो सकती है परेशान हो सकती है पर खुश नहीं हो सकती Can you please shut? वहां पता नहीं क्या चल रहा होगा क्या चल रहा होगा है क्या चल रहा होगा सब खाने खा रहे होंगे या रिश्ते तय हो रहे होंगे और बस दबीर मैंने ना एक बात नोट की है जब से तुम पाकिस्तान आए हो ना तुमने मेरी कंपनी एंजॉय करना बंद कर दी है बात सुनो तुम्हारा यहाँ आकर किसी से सीन तो नहीं ऑन हो गया तुमसे तो बात करना ही फजूल है हाँ तो मत किया करो टॉक मुझसे तुम सिर्फ मुझे लिसन किया करो समझे वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब ना हनी और महीर का रिश्ता तय कर देना चाहिए कैसा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा महीर और हनी का रिश्ता मेरे दिमाग में कोई फॉल्ट नहीं है क्या खराबी है हनी में अमरीकन है अमरीकन है अमरीकन है, है मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है ओए खराबी हनी में नहीं है खराबी तुम में तुम उसकी फुफी जो ये 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 बेजोड़ किस्म का रिश्ता ना ओए हमारे खानदान में कोई नहीं कबूल करेगा और महीर ओए उसने तो बिल्कुल ही नहीं मानना और कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा घर छोड़ के निकल जाए पागल ना हो तो दबीर ये बात ना मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रही इसमें ना तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ही फायदा है भाई देखो ना हनी और महीर की शादी हो गई तो फिर महीर तुम्हारे साथ अमरीका चला जाएगा वहीं तुम्हारे साथ स्टोर में काम करेगा जो कुछ हमारा है वो उनका हो जाएगा और जो कुछ भी उनका है हमारा हो जाएगा मैं तुम्हारी तरह ना हाफ माइंडेड नहीं हूँ जो घर में सारा दिन बैठ के ना ख्याली पुलाव पकाता रहूं वो वहां पे मजा कर रहे होंगे और मैं यहाँ पे शेख चिल्ली की बहन के साथ बैठा कहानियां सुन रहा हूँ शेख चिल्ली की कोई बहन थी थी उसके शौहर ने ना उसका गला घोंट के मार दिया तो अरे कुछ नहीं होगा डर क्यों रहे हैं इजी हो जाए मामा बहुत अच्छे हैं मेरे अस्सलाम वालेकुम माजरत आप सबको इंतजार करना पड़ा वो
एक जरूरी कॉल आ गई थी तो फोन पर मशरूफ था। फूफो जान आप खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र है करम होता। रानिया बेटा ये जूस से क्या होगा भाई, जाकर चाय नाश्ता तो लगवाओ। जी मैं अभी कहती हूँ। पुत्र असी नाश्ता भी कर लेंगे ते चाय भी पी लेंगे, तू कहंदा ते खाना भी खा लेंगे। पर जेड़ा सवाल असी लेकर आए ना तेरे कोल, बस उदा जवाब तू हां विच दे दे। रिजवान पुत्र मुंडा असी देख लिया है, ते तसल्ली भी कर ली है, हुन बस तू जवाब दे। आहो पुत्र उदियां अखां ते कान ते दंद सब सलामत हैं अल्लाह दे फजल नाल। तो आप कहीं नौकरी करते हैं या खुद का बिजनेस है? जी जॉब करता हूँ। और अगर आप पुराना माने क्या मैं पूछ सकता हूँ आपकी सैलरी कितनी है, अगर आप बताना चाहें? भाई साहब मैं ये समझती हूँ कि अगर मियां बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ना तो पैसे की कमी बेशी कोई अहमियत नहीं रखती। मैं भी मेरा भी यही ख्याल हैगा। जी जी अंकल मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। अब देखिए ना पैसा तो है ही बेतबारी, आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास। अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है, लगता है जमान अंकल ने बहुत सख्त किस्म का इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर इनकार कर दिया तो। ओ तड़का तो मेरे दिल को भी लगा हुआ है, अगर लड़का याद जैसा हो ना तो कोई भी इनकार कर सकता है। भाई आप लोग ये किन फजूल बातों में लगे हुए हैं? जो खबर मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ ना उसके बाद आप लोगों के दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, इसलिए अपने अपने दिल को संभाल लीजिए। हाय अल्लाह इनकार कर दिया ना, देखा मैंने बोला था वो इनकार कर देंगे। अल्लाह हू अकबर अब क्या होगा, मुझे लगता है मेरी शादी से पहले ना अयाज अंकल अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ओहो भाई मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किन की बात कर रही हो, साफ साफ लफ्जों में बयान करो, अपनी बहन की तरह सस्पेंस मत फैलाओ। दबीर भाई ने और स्वीटी भाभी ने आपस में मिलके महीर का रिश्ता हनी के साथ तय कर दिया है। क्या? हाँ। अरे बीबी जी आप मिठाई क्यों निकाल रही है, क्या बात पक्की हो गई है? हुई तो नहीं अगर होकर रहेगी इंशाल्लाह। रानिया जल्दी चलो, अरे संभालो जाके अपने डैड को, अजीब अजीब सवाल पूछना शुरू हो गए यार। वो तो सैलरी के बारे में पूछ रहे, अब थोड़ी देर में प्रॉपर्टी के बारे में पूछना शुरू हो जाएंगे। ये कोई सवाल होता है लड़की वालों से करने के लिए? चित्तू अपनी फिगर पड़ गई है। चलो यार चलो जल्दी बात करो चलो। वो तो ये बाबा भी ना, बस सुने आप ना चाय तैयार कर दे, बल्कि पहले ना ये मिठाई जाके डाइनिंग टेबल पे सेट कर दे। ठीक है ठीक है मैं भी बाबा को देख कर आती हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अयाज। जी सर मैं एक्चुअली मेरी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये है। एक्चुअली वो जब से डॉलर का रेट बढ़ा है तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे नीचे आएगा तो सैलरी भी इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट भी होगा और प्रमोशन भी हो जाएगी। गाड़ी का भी प्रॉमिस कर रहे हैं, वैसे कंपनी की जो हेड है वो बाजी हैं इसलिए। जी 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 अब घर हमें कंपनी ने दिया हुआ है, खासा बड़ा घर है और मैं और भाई हम दोनों मिलकर अच्छी तरह घर चला रहे हैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अस्मा को किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से सारे सवाल जो आप तो हो गए ना, अब मुंह मीठा कर लेते हैं, मैं भी मिठाई लाती हूँ। बेटा रुको, ये बड़ों के मामलात हैं, बच्चों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और वैसे भी ये शादी ब्याह बड़ा सीरियस मामला है। बहरहाल आप लोग हमारे मुअज्जिज़ मेहमान हैं और हमारी एक बच्ची तो बहू बनकर आपके घर में आ ही रही है, इसलिए हमारी रिश्तेदारी तो बन चुकी है, तो प्लीज सिर्फ चाय नहीं बल्कि कुछ खा पी कर जाइए। जी भाई साहब फिर हम क्या उम्मीद रखें? ऐसे फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। नहीं सोच कर कुछ दिनों में आपको बता दिया जाएगा।
ओ मोना मेरी बात सुनो, ये वक्त बेतुके मजाक करने का नहीं है। जाओ अंदर जाके ना अपना काम करो। हम दोनों बड़ी टेंशन में एक अहम फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। जाओ चलो चलो जाओ, जाके खावर को कॉल करो, वो तुम्हारी ये बेतुकी बातें सुनेगा और बुरा भी नहीं मानेगा। ओहो भाई, दिमाग तो मैं उसका खाकर आ गई हूँ, और मैं वाकई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने खुद खूबसूरत कानों से सुना है दबीर भाई को बातें करते हुए, सुनके भाभी बहुत सीरियस है। नहीं यकीन आ रहा ना आपको? तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ और जाकर खुद पूछ लो। याजी, बाबा ना मेरे अयाज मामू के साथ कुछ ज्यादा ठीक नहीं कर रहे। देखिए तो उसे छोटा सा मुंह निकल आया है। अगर इनको टेंशन के मारे हार्ट अटैक आ गया ना, तो इनका खून हम सबके सर होगा। लड़की के बाप आप हैं मियाँ जी, तो अपना हक इस्तेमाल करें ना। जमान पुत्र, तू जिन्ना टाइम लेना चाहिंदा है तू ले ले, पर याद रखी आखिर फैसला साढ़े हक के होना चाहिए। मैं इनकार नहीं सुनूंगी। जी जी जी, मैं भी यही कहने वाली थी। जी जी जी, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ मेहमान मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि शगुन रखना चाह रहे हैं, और बस मेरा ही इंतजार हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख रही, तुम्हारे डैड ने सब कुछ सेट कर दिया। बहुत ही सारे में भाई, मेरे डैड के छोड़े और अपने कैरेक्टर पर फोकस करें तो बेहतर होगा। हाँ बात सुनो, हाँ अगर थोड़ी सी मिसेस सानी आप भी हमारे कैरेक्टर पर करते हैं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। देख लो, मैंने अगर तुम्हारी परवाह करनी छोड़ दी तो बहुत पछताओगे। तो मैं पहले किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आई हूँ, पढ़ा तो भी आऊंगी। जाके ना तशरीफ रखिए, घर में जो गुरूर की वजह से अकड़ाव है आगे भी अकड़ जाएंगे। बैठ जाइए। आप क्यों आ गई? ये लगता है आपके एहतराम में ही खड़े हैं। जाके बैठ जाइए, हाँ वरना ये भी इसी तरह से टंगे रहेंगे। सुनो, जब तक तुम्हारे भाई हाँ ना ना करते हम भी हाँ नहीं माने, हम आते जाते रहे। जब तक वो हाँ ना करते परेशानी। हाय मैं मर जाऊं, इतनी फटी साजिश। यकीन नहीं आ रही है स्वीटी, ये समझती कि ये हमारे महीर को हथिया लेगी? नेवर, मैं बता रही हूँ मैं ये नहीं होने दूंगी। बस बस आप तो रहने दें, भाई जान पर तो आपका जोर चलता नहीं है। स्वीटी भाभी को देखा है, जो चाहती हैं जिस चीज पर हाथ रखती हैं वो चीज हासिल कर लेती हैं। हाँ कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब नहीं, समझ आइए अब वो कामयाब नहीं होगी। और मैंने कुछ करना भी नहीं है, सीधा सीधा अम्मा जी के पास जाऊंगी, खौफनाक साजिश उनके सामने रख दूंगी कि सब अम्मा जी करेंगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन के पेट में मरोड़ जल्दी उठते, चुप नहीं रह सकती थी, क्या जरूरत थी बताने की, नवा कट्टा खोल के रख दिया। आप लोगों ने एक और बात नोटिस नहीं, महीर और हनी दोनों साथ साथ घूम रहे, मुझे तो लगता है पक्की सेटिंग होगी इनकी। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी नोट किया है, चिंगम की तरह चिपकी होती है, हर वक्त ही कर रही होती है, उसके इर्द गिर्द मंडराती है, और रिश्ते के वक्त रानिया के भी पहुंच गई थी ना हमारे साथ। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, महीर को फंसाने के लिए ना पूरा पूरा जाल बिछाया हुआ है।
नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं चंगी लगती। बता रही हूँ, अगर इन दोनों की शादी हुई ना, शिरकत तो मुझे करनी पड़ेगी तुम्हारी वजह से, लेकिन मैंने कोई लिफाफा सलामी शलामी नहीं देनी, बता दिया पहले से। ओहो, तुम लोग फिक्र मत करो, परेशान मत हो, वक्त आने पर ना मैं आप ही अम्मा जी को सब कुछ बता दूंगा, बस को वादा करो। नहीं अल्लाह जी, जबान दे दिया। ओहो बाजी, अस्मा फोन नहीं उठा रही, लगता दाल में कुछ काल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अस्मा ने भाई के फैसले के खिलाफ बगावत करती हो और भाई ने गुस्से में आके उसका फोन छीन लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके भाई ने उसको दीवार के पीछे चुनवा दिया हो या फिर किसी कमरे में बंद कर दिया हो और गुस्से में कहोगे अगर तुम घर से बाहर निकली अयाज से मिलने के लिए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अरे ये नमरूद नुमा भाई उसका हमारे बीच में दीवार क्यों बना हुआ है, क्यों? या अल्लाह, या अल्लाह अयाज, क्या क्या सोच लेते हो? बाजी मेरे सेरे के फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएंगे। अरे मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि लोगों का वली में क्या खाना खाऊं, इसके अलावा क्या काम है मेरा? अयाज फिर वही फजूल बात, मुझे ना पे सख्त गुस्सा आ रहा है, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। बाजी मेरी एक्सपायरी डेट निकल रही है और आप मुझे चुप करवा रही है। सबर करो। सबर करूं? सबर का फल मीठा होता है। यही जुमले आपने बोले दूल्हे भाई को, अरे वो पागल हो गया मासूम आदमी, वो पागल हो गया, वो बंदा अच्छा खासा बंदा घर में आया था, पागल होके पागल खाने में दाखिल हुआ है, हर महीने डॉक्टर से मिलता हूँ, डॉक्टर कहता है इसको ले जाओ ये पागल नहीं है, भैया से मिलता हूँ, भैया कहते हैं कि तेरी बहन पागल है, निकल यहाँ से, आप मुझे पागल कर देंगी, आप चाहती मैं पागल चले जाऊँ, आपने कौन सा मिलने आना है? चुप चुप, ये मेरा पर्सनल मैटर, पर्सनल रानी है, पर्सनल रानी है, पूरे खानदान को पता है, एक अच्छे खासे जीते जाते आदमी को आलू बैंगन ला खिला के है शोरबे वाले, और शोरबा भी नहीं उसमें तो पानी होता है, खिला खिला के आपने पागल कर दिया, खुद जवान पे जवान हो ही जा रही है, टीके पे टीके लगाई जा रही है और उस इंसान को नफसियाती कर दिया। Yes, too much, too much. बाजी, एक फोन तो मिला लें, क्या पता उन्होंने मेरा फोन बाकी ब्लॉक कर दिया। फोन को हाथ ना लगाना, मेरे फोन को हाथ ना लगाना, मैं फोन उठा के मारूंगी तुम्हारे से। यही किया था आपने भैया के साथ, इसी से जलाया था उनको, इसी से। ताई जी जमान जी ते छेती नाश्ता करके चले गए। बेबो भी तो नहीं आई ना भाई, तबीयत तो ठीक है? वो कहंदी है मेरा जी नहीं हो रहा है। उसको बुलाओ यार। रहने दे मियां जी, इस वक्त ना आपकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा उन पे, इतने सालों बाद तो उनकी जिंदगी में कोई खुशी आई थी, घर हाय। ताई जी आप समझाए ना जमान साहब को, इयाज अच्छा लड़का है, मान जाए। क्या गल है? वैसे एक बात तो बताए मियाँ जी, हमारे मियाँ जी जो इतने सालों से कनात और मोहब्बत का दर्स देते आए, वो अपना ही सबक कैसे भूल गए? तनख्वाह की कमी की बाइस अच्छा रिश्ता मना कर दिया। ये बात नहीं है पुत्र, गल ये है कि जमान इतने बरसों बाद आया कार, तो वो अपनी बहन के लिए कुछ करना चाह रहा है, मैं उन विच उदे नहीं पहना चाह रहा सा। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अब इसके दरमियान आना पड़ेगा। वही तो कह रही हूँ आपसे, आपकी तो गांव में इतनी चलती है, तो आपका अपना बेटा आपकी बात कैसे नहीं मानेगा है? बस ना बाबा आ जाए ना, तो आपने उनसे कह देना कि अथॉरिटी आपने वापस अपने हाथों में ले लिया है, पहले भी फैसला करने का हक आपका था और अब भी सिर्फ आपका है। बस मैं उन फुल एंड फाइनल फैसला कर लिया कि ये रिश्ता मैं पक्का करके ही रहूंगा। मियां जी, मियां जी तुम ग्रेट हो, मैं जाके बेबो को बताती हूँ। बेबो मुंह ठीक करें, तंग ना करो मुझे, मेरा मुंह ठीक नहीं है रानी। धमाकेदार न्यूज के साथ हाजिर हुई हूँ, फिर ना कहना कि हमें खबर नहीं हुई। मैंने मियाँ जी को अयाज बाबू के लिए मना लिया है और उनसे वादा मिल लिया कि बाबा को भी राजी कर लेंगे। सच में मानती है कि नहीं? फिर अयाज का फोन आ रहा है, पता वो कब से फोन कर रहे हैं मगर मैं उठा नहीं रही। मुझे दे, आपको कसम है कि अभी कुछ नहीं बताएंगे, मैं खुद घर जाके बताऊंगी ना उन्हें, थोड़ा तंग करना तो बनता है ना। रानी इस बेचारे का मायूस दिल इतनी बड़ी खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब क्या होगा?
एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं, ऐसे मौके पे मरीज को पानी पिलाया जाता है बाजी। शुक्र अल्लाह का कि तो शायद जिंदा है। शायद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। कल भी मामू जिंदा था, आज भी मामू जिंदा है। तुम मजाक क्यों नहीं कर रही? मैं इतनी दूर से इतना भोंडा मजाक करने आऊंगी? मैंने ना मियाँ जी को राजी कर लिया और उनसे ये भी कह दिया कि बाबा को भी बोल दे कि रिश्ता पक्का। रानिया, तुमने मेरे भाई की अंधेरी जिंदगी में खुशियों का चिराग रोशन कर दिया है। अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने, तो मामूली सा काम था। लेकिन हाँ, आप इस चिराग की तेल और बत्ती की जिम्मेदारी मामू की। भाई तेल बत्ती आटा सब कर लूंगा मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस खुशी के मौके को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। कैसे एक्सप्रेस करूँ? गा के करूंगा, नाच के करूंगा, करूंगा पार्टी करूंगा। 1 2 3 go। जाके खुशखबरी दे दूं, अम्मा जी बेचारी इतनी परेशान थी, उन्हें भी तो पता चले कि मैं हर मसला हल कर सकती हूँ। मैं भी आती हूं। तुम जाओ, हम फिर से पार्टी करते हैं। पार्टी करते। तेरे आने से हो याने बाहर, दिल नची जावे धक धक के।